आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए तेल और गैस के पारदर्शी और लचीले बाजार की आवश्यकता पर जोर। अपनी मांगों के चलते आज काम पर नहीं आएंगे राज्य के वकील। नर्मदा जयंती आज, प्रदेश भर में कई कार्यक्रम हो रहे हैं आयोजित। और मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी, कुछ जिलों में आज बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तेल और गैस के मूल्य इस तरह से निर्धारित किए जाने की जरूरत है जिससे उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के हितों का संतुलित संरक्षण हो सके। कल उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 13वें अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस सम्मेलन पेट्रोटेक 2019 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने समाज की ऊर्जा जरूरतों से निपटने के लिए तेल और गैस के पारदर्शी और लचीले बाजार की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में ऊर्जा के क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सस्ती नवकरणीय ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और उसके डिजिटल उपयोग के बीच समावेश दिखने लगा है। श्री मोदी ने कहा कि देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक महत्वपूर्ण स्रोत है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत ने बिना भेदभाव के सभी को ऊर्जा उपलब्ध कराने की दिशा में उल्लेखनीय काम किया है। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को निर्देश दिया है कि वो 3 महीने के भीतर उस याचिका का निपटारा करे जिसमें राज्यवार आबादी के आधार पर अल्पसंख्यक को पुनः परिभाषित करने की मांग की गई है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय से कहा है कि वे अपनी याचिका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को फिर से प्रस्तुत करे। अदालत ने अल्पसंख्यक आयोग से कहा है कि वो यथाशीघ्र लेकिन अधिकतम 3 महीने के भीतर उसका निपटारा करे। अधिवक्ता ने अपनी याचिका में कहा था किसी राज्य में किसी समुदाय की आबादी के संदर्भ में अल्पसंख्यक को पुनः परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है। इसमें कहा गया था कि हिंदू, जो राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार बहुसंख्यक समुदाय है, वे कई पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक हैं। याचिका के अनुसार इन राज्यों में हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक समुदायों को मिलने वाले लाभों से वंचित है। ऐसे में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को अल्पसंख्यक की परिभाषा पर फिर से विचार करना चाहिए। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर आरक्षण के बारे में उच्चतम न्यायालय में दायर उसकी समीक्षा याचिका के नामंजूर किए जाने की स्थिति में सरकार अध्यादेश लाएगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल लोकसभा में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शीर्ष न्यायालय द्वारा इस बारे में दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज किए जाने के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर वकीलों के अधिकारियों की रक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता सहित अन्य मांगों को लेकर आज देश भर के लगभग 20 लाख अधिवक्ता प्रतिवाद दिवस मनाएंगे। इस दौरान वे न्यायालयीन कार्यों से अलग रहकर विरोध करेंगे। जबलपुर में स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष शिवेंद्र उपाध्याय और स्टेयरिंग कमेटी के संयोजक आदर्श मुनि त्रिवेदी ने बताया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मुख्य मांगों में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए चैम्बर हॉल, ई लाइब्रेरी, अधिवक्ता और उनके परिवारों के लिए इंश्योरेंस सुविधा, पेंशन और 5 वर्ष तक स्टाइफंड की सुविधा देने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पुलिस और आबकारी विभाग को प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री करने वालों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। कल छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग भी अवैध शराब की बिक्री में लिप्त हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई कर अवैध शराब की बिक्री पर सख्ती से अंकुश लगाया जाए। श्री नाथ ने अवैध शराब की बिक्री के अड्डे खत्म करने और पड़ोसी राज्यों की सीमाओं पर विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहरीली शराब पीने से पिछले हफ्ते 124 लोगों की मौत हुई थी। प्रदेश में 15 जनवरी से 15 फरवरी तक मिजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। भोपाल जिले में अब तक 3,51,000 से अधिक स्कूली बच्चों को मिजल्स रूबेला का टीका लगाया जा चुका है। वहीं 2344 स्कूलों में ये टीकाकरण हो गया है। रीवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि निशक्त कन्या छात्रावास में चल रहे टीकाकरण अभियान में नेत्रहीन और दिव्यांग छात्राओं को टीकाकरण कराने के लिए प्रेरित किया गया है।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या एआईआर न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा महू के डॉ बीआर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आशा शुक्ला को आगामी आदेश तक उनके पदीय दायित्वों के साथ उज्जैन के महर्षि पाणिनी संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय के कुलपति पद का अतिरिक्त कार्य सौंपा है। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रमेश चंद्र का कार्यकाल कल समाप्त हो गया है। भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय के कुलपति चयन के लिए 3 सदस्यीय सर्च कमेटी गठित की गई है। इसमें वरिष्ठ पत्रकार मनोज मनु, विजयदत्त श्रीधर त्रिवेदी और उमेश त्रिवेदी को सदस्य बनाया गया है। आज नर्मदा जयंती है। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल में धर्मस्व मंत्री पीसी शर्मा के मुख्य आतिथ्य में मां नर्मदा जयंती महोत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर जल कलश यात्रा निकाली जाएगी। महाआरती के साथ नर्मदा मंदिर के विस्तारित और सुसज्जित भवन का लोकार्पण होगा। संस्कृति मंत्री डॉ विजय लक्ष्मी साधौ आज नर्मदा जयंती के अवसर पर खरगोन जिले के मंडलेश्वर नर्मदा घाट में नदी महोत्सव का शुभारंभ करेंगी। शाम 7 बजे मां नर्मदा आरती और नर्मदाष्टक के साथ आरंभ होने वाले इस महोत्सव में सुप्रसिद्ध गायिका अनुराधा पोटवाल और जनपदीय गायन मंडलियां भक्ति संगीत प्रस्तुत करेंगी। उधर होशंगाबाद में कल से 2 दिवसीय नर्मदा जयंती महोत्सव शुरू हुआ। इस दौरान सेठानी घाट को सजाया गया है। यहां शाम को महाआरती की गई। आज महोत्सव के दूसरे दिन शहर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि नर्मदा जयंती के अवसर पर आज ओमकारेश्वर में 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। यहां हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी और 151 लीटर दूध से अभिषेक किया जाएगा। जबलपुर और डिंडोरी में भी नर्मदा जयंती पारंपरिक श्रद्धा भाव के साथ मनाई जा रही है। नरसिंहपुर में भी नर्मदा जयंती के साथ आज ऐतिहासिक बरमान मेले का औपचारिक समापन हो जाएगा। 3 दिन से पड़ रही कड़ाके की ठंड से अब थोड़ी राहत मिली है। राजधानी भोपाल सहित आसपास के जिलों में तेज धूप की वजह से दिन के तापमान में इजाफा हुआ है। हालांकि जबलपुर और चंबल संभागों में और होशंगाबाद राजगढ़ गुना दतिया जिलों में कल काफी ठंडा दिन रहा। वहीं रीवा उमरिया जबलपुर मुलाजगंज खजुराहो बैतूल धार खंडवा रतलाम और दतिया जिलों में शीतलहर चली। उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि सर्द हवाओं के कारण जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहां न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों के दौरान सागर उज्जैन और होशंगाबाद संभाग में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग के अनुसार 4 दिन बाद फिर मौसम बदल सकता है। विभाग ने उज्जैन भोपाल इंदौर होशंगाबाद विदिशा रायसेन सीहोर राजगढ़ सहित कई जिलों में बारिश का अनुमान जताया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में जय किसान फसल ऋण माफी योजना का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने जिले के सभी 8 विकासखंडों के ग्रामीण क्षेत्रों में रथों में एलईडी और प्रचार सामग्री के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। कटनी में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए कृषक अपना पंजीयन 23 फरवरी तक करा सकते हैं। उज्जैन संभाग आयुक्त अजीत कुमार ने कल शाजापुर जिले के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में पहुंचकर ईवीएम मशीनों की चल रही प्रथम स्तरीय जांच का अवलोकन किया। प्रदेश के उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राकेश कुशरे ने कल शहडोल जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर आगामी लोकसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया। मध्यप्रदेश कुल समाज सेवा संघ द्वारा आगामी 24 फरवरी को उमरिया स्थित अमर शहीद स्टेडियम में बांधवगढ़ शबरी कोल महाकुंभ का आयोजन किया गया है। मुरैना कलेक्टर प्रियंका दास ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे पेंशनरों की जायज मांगों को गंभीरता से लें। वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र बापना का कल इंदौर में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए तेल और गैस के पारदर्शी और लचीले बाजार की आवश्यकता पर जोर। अपनी मांगों के चलते आज काम पर नहीं आएंगे राज्य के वकील। नर्मदा जयंती आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम हो रहे हैं आयोजित और मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी। कुछ जिलों में आज बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।